वो अत्याचारी कह रहा हो, देख लिया मैं पीएम का खास हूं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तुम लोग बिलबिलाती रहो, रोती रहो, अपना मेडल बढ़ा दो, क्योंकि मेडल को तो उसने वैसे भी 15 रुपए का बताया है। क्या वो समझता या जानता नहीं है कि मेडल का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना? सालों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जब ये लड़कियां लड़ती हैं, जब चारों खाने चित कर देती हैं, तब ऐसे मेडल जीतती हैं। नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम शुरुआत करेंगे ब्रिजभूषण से। ब्रिजभूषण कौन है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद। ब्रिजभूषण कौन है? भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष। और ब्रिजभूषण कौन है? एक ठाकुर। ठाकुर है तो यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकता है। अगर उठाएगा तो उसी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करवा देंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला पहलवानों की जरूरत नहीं है जो देश का नाम ऊंचा करती है। महिलाओं की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो बार बार तार तार होती रहती हैं। हमारा मकसद तो यहाँ ब्रिजभूषण को बचाना है, क्योंकि ब्रिजभूषण तो आम आदमी पार्टी जो जिस तरीके से मुद्दा उठाती रही है कि यहाँ पर वो तो उनका खास है, तो ऐसे ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ब्रिजभूषण एक खास आदमी है। अगर इस खास आदमी के खिलाफ, इस खास सांसद के खिलाफ एक्शन लिया गया तो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से कुर्सी निकल जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? बाहुबलियों को खत्म करने की बात संसद में बोलते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं होगा, यहाँ युवाओं के हाथों में किताबें होंगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ऐसे माफियाओं को खत्म करते हैं जो समुदाय के नाम से जुड़े होते हैं, लेकिन जो ठाकुर है उस ब्रिजभूषण को, उस बाहुबली के ऊपर कोई भी एक्शन योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए साफ तौर पर जाहिर है कि ये सारी सरकार की साजिश है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहाँ पर उसे बचाने की फिराक में लगे हुए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए। सांसद रह चुके हैं और कई बार चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत चुके हैं, और ऐसे में ब्रिजभूषण को बचाने की तमाम कोशिशें, तमाम जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ब्रिजभूषण बेशक भारतीय जनता पार्टी का खास सांसद हो, खास यहाँ पर सांसद होने के नाते नए संसद भवन में उसे बड़े आराम से बिठाया गया हो, आराम से तस्वीरें लेता हुआ नजर आ रहा हो, मजे करता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ही अब यहाँ पर कार्यवाही करती हुई नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सबूतों के तहत यहाँ पर ब्रिजभूषण बेनकाब होगा। बेशक डंके की चोट पर कह दे कि मेरी मर्जी, अगर मैं गिरफ्तार होना चाहूँ तो हो सकता हूँ, मेरी मर्जी में गिरफ्तार ना होना चाहूं तो नहीं हो सकता हूं, लेकिन ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी तय होने वाली है। क्या कुछ यहां पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया ने कहा है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। पुण्य उन बेटियों का, लेकिन पाप इस निरंकुश सरकार और एक तानाशाह राजा का जो संरक्षण में खड़ा है आरोपी के, अत्याचारी के, दुष्कर्मी के। और ऐसा लगता है कि जैसे इन बेटियों के घाव पर कुरेद कुरेद कर वो अत्याचारी कह रहा हो, देख लिया मैं पीएम का खास हूं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तुम लोग बिलबिलाती रहो, रोती रहो, अपना मेडल बढ़ा दो, क्योंकि मेडल को तो उसने वैसे भी 15 रुपए का बताया है। क्या वो समझता या जानता नहीं है कि मेडल का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना? सालों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जब ये लड़कियां लड़ती हैं, जब चारों खाने चित कर देती हैं, तब ऐसे मेडल जीतती हैं। लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूं, अगर ये महिला अस्मिता का मुद्दा नहीं है तो महिला अस्मिता का मुद्दा क्या है? स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं, उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा।
अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, दृष्टता देखिए आप। हमारे देश की बेटियां पीटी गईं, लाठियां बरसाई गईं, रौंदा गया बूटों के तले, और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल नारी शक्ति के 9 साल मुझे समझ में नहीं आता। ये डिल्यूजनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे हैं, इनको धरातल का पता नहीं क्या है इस सरकार में। ये नारी शक्ति का सम्मान है, 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब महिला की अस्मिता पर प्रहार हुआ है तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। महाभारत सबको याद है ना, कैसे द्रौपदी को घसीटा गया था और उसकी कीमत सिर्फ धृतराष्ट्र ने नहीं चुकाई थी, उसकी कीमत उसके पूरे वंश और उस पूरी सदी ने चुकाई थी। आज भी ये बेटियां हैं, इनको घसीटा जा रहा है, और आंख पर पट्टी बांधे हुए आज भी एक राजा मौन धारण किए हुए है। आज सवाल यह है कि इन बेटियों को क्या इतना मजबूर, आपने क्यों इतना मजबूर कर दिया कि अपने मेडल बहाने को तैयार हैं। 5 दिन का वक्त टिकैत जी ने उनसे लिया है, उनको मेडल सौंप दिए हैं। क्या सरकार 5 दिन में चेतेगी? क्या सरकार 5 दिन में न्याय की गुहार करती हुई बेटियों की बात सुनेगी? क्योंकि इतना सड़ चुका है सरकार का जमीर कि उसमें से बदबू आने लगी है। आज सच यह है कि जिन लोगों को बेटी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए वो लड़कियों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, वो इनके इतने बड़े कीर्तिमानों पर सवाल उठा रहे हैं, वो इन्हीं को अपशब्द कह रहे हैं। आज मीडिया चुप है, कब तक चुप रहिएगा आप? कब तक चीयर लीडर बनाकर 9 साल की खुशी मनाते रहिएगा? और आज जो भी चुप है याद रखिएगा, तटस्थ रहने का समय नहीं है, क्योंकि समय आपके भी अपराध लिखेगा। संस्थाएं हैं इस देश में, पॉक्सो का आरोप लगा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन एनसीपीसीआर की तरफ से एक शब्द, एक कार्रवाई, एक चिट्ठी न सरकार को न इलेक्शन कमीशन को। आप तो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप खोलने के लिए नहीं। पॉक्सो जैसा गंभीर आरोप लगा है, महिलाओं ने, इस देश की बेटियों ने शोषण का आरोप लगाया है, और एनसीडब्ल्यू जो रह रहकर चिट्ठी बांटता है, रेखा वर्मा जी को सुधी नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया ये बेटियां बैठी थी। तो आज सवाल यह जरूर पूछना पड़ेगा कि भाजपा की निरंकुशता, मोदी जी का संरक्षण, और मैं ये डंके की चोट पर कह रही हूं, बेटियों के अत्याचारी, उनके दुष्कर्मी पर प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो वो इन बेटियों को दिलासा देते, विश्वास देते, न्याय का की गुहार लगा रही है ये। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं इन बेटियों को, इस मंच से ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जो आपके कीर्तिमानों को समाप्त करे, क्योंकि आपने इस देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक निरंकुश सरकार, एक आंखों पे पट्टी बांधे हुए राजा, हर बार आरोपी के साथ खड़ा हुआ प्रधानमंत्री आपको न्याय ना दे, लेकिन यह देश आपके साथ खड़ा है, और यह देश देख रहा है कि कैसे बार बार बेटियों के अपमान में और संरक्षणों के साथ ये सरकार खड़ी होती है। आज जो गंगा के तट पर गंगा ने देखा वो पुण्य और पाप की वेदी के बीच की खाई है, और मैं आशा करती हूं कि सरकार जागेगी, अपनी बेच खाई हुई नैतिकता को याद करेगी और जरूर इन बेटियों को न्याय देने का काम करेगी। क्योंकि बेटियों का रोता हुआ चेहरा और ब्रजभूषण सिंह का दमकता हुआ चेहरा, यह इस देश का दुर्भाग्य है। आज हमारे अध्यक्ष ने भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी लगातार बेटियों के समर्थन में वक्तव्य दिए हैं। मेरी नेता प्रियंका जी वहां मिलने भी गई थी उनसे, हमारे तमाम और नेता उनके टच में हैं जो मिलने भी गए थे,
और जो लोग कहते हैं कि इसको राजनीतिक क्यों बना दिया, जब आप एक एमपी को संरक्षण दे रहे हैं तब आपने राजनीतिक बना दिया था। हमें तो उनके लिए बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या अन्याय के लिए हम इसलिए चुप हो जाएंगे क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी है? जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी इनको न्याय की लड़ाई में हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ खड़े हैं। हम इस मंच से अपील करते हैं, आपके मेडल इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान है। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी पसीने की कमाई है, उसको जाया मत कीजिएगा। क्योंकि एक बात सच है कि अंततो गत्वा, जीत तो न्याय की होगी। आज कितनी भी धृष्टता, कितनी भी बकैती ब्रजभूषण सिंह कर ले या उनकी सरकार कर ले या प्रधानमंत्री संरक्षण दे ले, जीत तो सत्य की ही होगी। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया नहीं है, लेकिन बातें सामने आ रही हैं कि सबसे पहले शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल द्वारा की गई थी, लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज करने के बाद निचली अदालत का रुख करने को कहा गया। लेकिन लंबा समय बीत जाता है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस नहीं एक्शन लेता है। ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कोई अभी तक फैसला नहीं सुनाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए तमाम लोग अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर कपिल सिब्बल के जरिए फिर से यहाँ पर एक मुकदमा लड़ा जाएगा ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और यहाँ पर तमाम सबूत पेश किए जाएंगे, ऐसी बातें सामने आ रही है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब होगा ब्रिजभूषण, सुप्रीम कोर्ट में ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी तय हो पाएगी? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत।